एसएससी सीजीएल 2023 का ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो आप लोगों में से तमाम स्टूडेंट के लिए एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। है क्या, जैसे बहुत से स्टूडेंट, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि 90% स्टूडेंट आज के समय में तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के हैं। उन 90% स्टूडेंट में से जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनमें से भी 90% ऐसे हैं जिनको इंग्लिश सही तरीके से नहीं आती है। ठीक है, अब बात आती कि भर्ती सीजीएल का ऑनलाइन करें कि न करें। ऐसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, वो सीजीएल का या ऐसे किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन भरें या न भरें जिनमें इंग्लिश मेन रोल निभाती है और वो उनका कमजोर है। तो देखिए, हम आपसे कहेंगे, अगर आप मिडिल फैमिली के हैं या पैसों की प्रॉब्लम है या तमाम वजह है, तो आप सीजीएल या इंग्लिश मीडियम के फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई न करें। कहेंगे कि क्यों, हम कहेंगे हो सकता है आप अप्लाई करें तो आपका मन करे कि थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं यार, वो वाले भर्ती या नहीं आ रही है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। रेलवे वाले लेट है, पुलिस वाले लेट है, तो सीजीएल है पहले पढ़ लेते हैं, एसएससी एमटीएस पढ़ लेते हैं, ये सब दिमाग में बनता है। तो ये लड़की क्या करते हैं कि 2-4-6 महीना इसको लगेंगे पढ़ने, और तब तक 2-4-6 महीना इसको पढ़ते पढ़ते पेपर देंगे, फिर वो वाली आके गिर जाती है। फिर 2-4-6 महीना क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और कंपटीशन इतना हाई है कि न वो इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। अगर ये आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी कमजोर है, तो आप रेलवे और डिफेंस में, चाहे एसएससी जीडी एमटीएस को भी रख सकते हैं, पुलिस का हो, UP SSC के तमाम फॉर्म है, इन सबको कंबाइंड करके आपस में पढ़ सकते हैं। बिहार पुलिस की वैकेंसी अच्छा खासा आ रही है, उसको ले लीजिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड जो भी ये भर्तियां हैं उनको जनरली न देखें। अगर आप फॉर्म भरते भी हैं तो आप उनकी तैयारी न करें, यानी कि इंग्लिश तो बिल्कुल न पढ़ें। हाँ, वहां पर आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, बाकी इंग्लिश को टच ना करें, क्योंकि आपका टाइम अगर बेवजह जाएगा तो फिर आप न ये भर्ती निकाल पाएंगे न वो निकाल पाएंगे। सीजीएल में क्या है कैसे है, वो इंग्लिश मीडियम में जो लड़के, जैसे इंग्लिश वाले जो हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको सचेत कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे फॉर्म को भरते हैं तो अपने माइंड को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। रीजनिंग है, हिंदी है, जीके है और गणित है, इन विषयों पर मजबूती बनाइएगा, अन्यथा आप अपने टाइम को किसी और जगह देंगे तो फिर आप दोनों जगह फेल होंगे। बढ़िया से आप लोग तैयारी करते रहिए।